हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उम्मेदपुरा में प्रशासन ने चलाया पीला पंजा, ध्वस्त किए अतिक्रमण। आखिरकार अतिक्रमण मुक्त हुई चारा ग्राम भूमि। ग्रामवासियों का आंदोलन लाया रंग, छाया हर्ष। राज संबंध समीपवर्ती केलवा क्षेत्र की धाइला ग्राम पंचायत अंतर्गत उम्मेदपुरा में पौधारोपण के लिए आरक्षित सरकारी चारागाह भूमि पर करीब 10 बीघा क्षेत्रफल में व्याप्त अतिक्रमण ग्रामीणों के लगातार आंदोलन एवं भारी आक्रोश के चलते आखिरकार प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। चारागाह भूमि अतिक्रमण मुक्त होने से ग्रामवासियों में हर्ष छा गया तथा उन्होंने इसे अपनी एकजुटता की जीत बताया है। विगत दिनों से ग्रामवासियों द्वारा कई बार प्रशासन को ज्ञापन देने, कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन एवं हाल ही में कार्यवाही नहीं होने पर आमरण अनशन व उग्र आंदोलन की चेतावनी देने के बाद अंततः प्रशासन चेता तथा अतिक्रमण हटाने की कार्य योजना तैयार की। इसके तहत निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मंगलवार को राजसमंद तहसीलदार राजेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में अधीनस्थ कार्मिकों का दल अतिक्रमण स्थल पहुंचा। जेसीबी ट्रैक्टर आदि जरूरी संसाधन भी उनके साथ थे। शांति एवं कानून व्यवस्था को लेकर केलवा थाना अधिकारी प्रवीण जुगावत के साथ जाब्ता भी मौके पर तैनात रहा। करण सिंह राव, महावीर सिंह खीरिया, भू अभिलेख निरीक्षक श्याम सुंदर, पटवारी राजेश रेगर, ग्राम विकास अधिकारी बालूराम सैनी आदि ने दस्तावेजी प्रक्रिया पूर्ण कर अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्यवाही शुरू की। इस दौरान चारागाह भूमि पर अतिक्रमियों द्वारा निर्मित पक्के कमरे जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिए। वहीं करीब 10 बीघा भूमि पर अतिक्रमण कर लगाई गई बाड़ को भी पूरी कर हटा दिया गया। काफी देर चली कार्यवाही के बाद उक्त भूमि पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त हो गई, जिसे पुनः पौधारोपण के लिए आरक्षित 116 बीघा भूमि में मिलाया गया। इस दौरान धाइला उप सरपंच रमेश लोहार की मौजूदगी में पंचायत ने अतिक्रमण स्थल से सामग्री जब्त करने कार्यवाही करते हुए ट्रैक्टर में भरकर पंचायत में पहुंचाया। इधर अतिक्रमण हटाने की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामवासी मौके पर जमा हो गए। पूरी कार्यवाही के दौरान वहां लोगों की भीड़ लगी रही। लोगों ने गांव की भूमि अतिक्रमण मुक्त होने पर काफी हर्ष जताया। इस दौरान उप सरपंच रमेश लोहार, शिव सिंह, नाथू सिंह, मनोहर सिंह, रामलाल, रमेश सेन, लाल सिंह, हिम्मत सिंह, जय सिंह आदि ने हर्ष जताते हुए इसे ग्रामवासियों की एकजुटता एवं संघर्ष की जीत बताया तथा कहा कि ग्रामवासियों ने ग्राम हित में जो आंदोलन किया है जो अत्यंत हर्ष का विषय है। ग्रामवासियों ने कहा कि उक्त चारागाह भूमि पर अब पौधारोपण कार्य निर्बाध हो सकेगा तथा यह कार्य पूरी तत्परता से कराया जाएगा। उल्लेखनीय है कि पूर्व में पंचायत ने उम्मेदपुरा में 116 बीघा चारागाह भूमि पौधारोपण के लिए आरक्षित की थी, जहां सेवा मंदिर ट्रस्ट उदयपुर के सहयोग से पौधारोपण जारी था, लेकिन उक्त भूमि के करीब 10 बीघा क्षेत्र में गांव के ही कतिपय व्यक्तियों ने अतिक्रमण कर लिया, जिसे लेकर ग्रामवासी आक्रोशित थे एवं पौधारोपण कार्य बाधित हो रहा था। ग्रामीण लंबे समय से अतिक्रमण के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए थे तथा लगातार प्रशासनिक उदासीनता को लेकर हाल ही में आमरण अनशन एवं उग्र आंदोलन की चेतावनी दी थी, जिस पर गंभीरता दिखाते हुए प्रशासन ने आखिरकार अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया। जागरूक टीवी के राज संबंध से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।